हेलो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार में शिक्षक बहाली से संबंधित है। BPSC TRE 1 और 2 के तहत बहुत सारे शिक्षकों का नियुक्ति जो हुआ है वह अदर राज्य के कैंडिडेट अगर किसी कारणवश 60% से कम उनका सीटेट में मार्क्स है तो वे न तो 1 से 5 में और न ही 6 से 8 में, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के पुरुष का मार्क्स होता है उतना बिहार के बाहर की महिला हो या पुरुष को लाना होगा, तभी जाके वे शिक्षक बनने के योग्य रहेंगे। और इस क्रम में आप देख सकते हैं 10 शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरे राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अंक में 5% की छूट नहीं मिलेगी। इससे संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद पारित किया है। यह सुनवाई माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा इब्तेसाम शाहीन बनामराज सरकार एवं अन्य में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुपालन में की गई है। सुनवाई में आवेदिका इब्तेसाम शाहीन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया, लेकिन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CET में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग रोक दी गई। आवेदिका का यह तर्क था कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति की पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि समान कोटि की महिलाओं को CET में 55% अंक होना आवश्यक है। चूंकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त हैं जो 55% से अधिक है, जो समान महिला कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। सुनवाई में आवेदिका ने काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया। यह सुनवाई 24 अप्रैल को हुई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 15 मई को पारित आदेश में कहा गया कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CET से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य के बाहर से बाहर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CET की अधिसूचना में स्पष्ट है कि समान श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार समान वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सके। ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी यह प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे, यानी बिहार के निवासी रहिएगा तभी महिला होकर भी समान श्रेणी में होकर भी आपको 55% अंक लाने पर भी योग माना जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि चूंकि आवेदिका राज्य के बाहर का निवासी है एवं सामान्य श्रेणी के तहत आती है, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ देना ही होगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% की छूट देनी ही होगी। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती। इसके मद्देनजर इस बीच विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत नियुक्त औरंगाबाद में ऐसे 10 शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सभी 10 शिक्षक 6ठी से 8वीं के हैं। इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा गया है कि क्यों नहीं उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द किया जाए।
10 मास 16 दिन में 32,828 शिक्षकों का वेतन कटौती की गाज गिर चुकी है दोस्तों। पटना से बहुत बड़ी खबर आ रही है और प्रत्येक जिला का दिया गया है कहाँ से कितना शिक्षकों का वेतन कटौती किया गया है। मिशन दक्ष के तहत चयनित छात्र छात्राओं की विशेष परीक्षा 28 से शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं इस पर की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज जो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित था वो हमने बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से प्रबल की अपडेट के लिए जुड़े रहे। लेकिन इसमें वैसे अभ्यर्थी भी आएंगे जो अगर कहीं किसी विभाग में जॉब कर रहे थे और किसी कारणवश वे 90 अंक से कम लाकर ज्वाइन किए हुए हैं बिहार में, तो उनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है क्योंकि उन्हें बिहार राज्य का मूल निवासी होना ज़रूरी था आरक्षण लेने के लिए। थैंक्स दोस्तों।